अब तक हम ये बात समझ ही चुके हैं कि आत्मा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, चाहे गर्भपात हो या भ्रूण हत्या हो, ऐसी किसी भी तरह से आत्मा को तो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और ये भी हम जान चुके हैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, तब भी जो दूसरी संतान है वो वही आत्मा दूसरी संतान के रूप में उसी माता-पिता के घर में आती है। ये बात सिर्फ तब लागू नहीं होती जब बच्चा गर्भ में है और किसी कारणवश गर्भपात हो जाए। यदि बच्चा जन्म भी ले लेता है लेकिन बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, ऐसी स्थिति में भी वही आत्माएं दूसरी संतान के रूप में उसी माता-पिता के घर में जन्म लेती हैं। हाँ, मैं आपको डॉक्टर ब्रायन वीस का एक किस्सा बताना चाहूँगी। एक बार उनके पास एक मनोविज्ञान का छात्र आया। उसने उन्हें बताया कि जब उनकी पत्नी गर्भवती थी, जब उनकी पत्नी 4 माह की गर्भवती थी और वो ये भी नहीं जानते थे कि आने वाली संतान बेटा है या बेटी, उस समय उनके स्वप्न में उनकी बेटी आई जो कि आज उनकी बेटी है, और उसने आकर बहुत विस्तार से अपना नाम, अपना पूर्व जन्म का स्थान, अपने माता पिता के पूर्व जन्म के माता पिता के विषय में, और सिर्फ इतना नहीं, वो क्यों जन्म ले रही है, उसके जन्म लेने के पीछे इस घर में, इस माता पिता के घर में जन्म लेने के पीछे क्या कारण है, क्या उद्देश्य है उसके जीवन का, क्या योजना है उसके जीवन की, इन सब बातों के विषय में उसने अपने पिता को बहुत डिटेल में, जबकि वो बच्ची अभी जन्म भी उसने नहीं लिया था और वो ये भी नहीं जानते थे कि उनके घर में पुत्री आने वाली है, उसने अपने पिता को सब डिटेल में स्वप्न के माध्यम से बताया। और जब वो चौंक कर उठे तभी उनकी पत्नी भी चौंक कर उठी और उन्होंने भी उन्हें बताया कि यही सपना, यही जानकारी, और उनकी भी पुत्री ही इसी प्रकार उनके स्वप्न में आई। यानी दोनों पति पत्नी ने अपनी अजन्मी पुत्री को सपने में देखा और उसने आकर डिटेल में वही बातों की जानकारी दी, सेम जानकारी अपने विषय में सब डिटेल में उसने अपने माता पिता को बताया। सिर्फ ये नहीं, अपने भविष्य की क्या योजनाएं हैं और वो जन्म क्यों ले रही है अपने इस माता पिता के घर में, ये भी बताया। यहाँ मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहूंगी जिससे ये पता चलता है कि आत्मा जब गर्भ में होती है, माता के गर्भ में होती है, उसी समय वो सब कुछ देख और सुन सकती है। एक महिला जो कि लगभग 50 वर्ष की थी, वो डॉक्टर ब्रायन विस के पास जब आई और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने उनके जन्म से 1 महीना पहले की घटना का जिक्र किया, उस महिला ने अपने आप को माँ के गर्भ में देखा और उन्होंने देखा कि वो माँ के गर्भ में है और उनकी माता एक स्टूल पर बैठी है और उनकी माता जो कि पूरी तरह से स्वस्थ हैं अपनी बहन से यानी उनकी मासी से बातें कर रही हैं। बिस्किट खाते हुए वो अपनी बहन से बातें कर रही हैं और बातों में अचानक से उन्होंने कहा, मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ और शायद मैं इस बच्ची को बड़ा होते हुए ना देख सकूँ, मैं इस बच्ची को बड़े होते ना देख सकूँ, जबकि वो जानती भी नहीं थी कि उनके होने वाली संतान पुत्र है या पुत्री है। और ऐसा हुआ भी, बच्ची को जन्म देने के दौरान उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्हें निमोनिया हो गया और बहुत कुछ ही दिनों में, संतान को जन्म देने के बाद कुछ ही दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। जब ये किस्सा उस महिला ने डॉक्टर ब्रायन विस को बताया, चूंकि वो इस बात के विषय में खुद भी नहीं जानती थी, तो वो जब ये कहानी उन्होंने स्पष्ट देखी तब उन्होंने कहा कि मैं अब फौरन अपने घर जाकर अपनी मासी से इस विषय में बात करना चाहती हूँ कि क्या सचमुच ऐसा हुआ था, क्या मेरे जन्म से पूर्व मेरी माँ ने कभी इस प्रकार की कोई बातें की थी। तब उनकी बहन ने उनसे कहा कि हाँ, तुम्हारी माता ने मुझसे इस प्रकार की बात की थी, उसने मुझसे ये कहा था कि शायद मैं इस बच्ची को बढ़ते हुए देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगी, लेकिन मैं उसका चेहरा जरूर देखूंगी और मैं जानती हूं कि वो बेटी ही होगी और मैं चाहती हूं कि उसका नाम तुम रोजमैरी रखो, इसके नामकरण तक शायद मैं जिंदा ना रहूं लेकिन मैं उसे देखकर ही मरूंगी।
हैरानी की बात तो ये है कि उस समय उनकी माताजी पूरी तरह से स्वस्थ थी जब वो इस प्रकार की बातें कर रही थी। आगे उनकी मासी ने उन्हें बताया कि उस समय तो उनकी माताजी को कुछ नहीं था, बहुत हल्का फुल्का सा जुकाम ही था, लेकिन बच्ची की पैदाइश में कुछ मुश्किलें खड़ी हो गई। और उसी समय इधर जब वो बच्ची पैदा हुई, उसके जल्दी बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, निमोनिया से उनका निधन हो गया। इस घटना से ये साफ साफ पता चलता है कि माँ के गर्भ में आत्मा साफ साफ देख और सुन सकती है। यानी हम सोचते हैं कि बच्चा कुछ नहीं समझता, बच्चे को कुछ नहीं आता, बच्चा कुछ नहीं जानता, ये हमारी नासमझी है। बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा आगे हैं, बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अवचेतन मन हमसे कहीं ज़्यादा जागरूक हैं, इसलिए क्योंकि वो आज भी आत्मा लोक से कनेक्टेड हैं। अब मैं आपको एक भ्रूण के रूप में, जब एक बच्चा माता के गर्भ में है, उस समय जब आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है, एक उस शिशु के साथ, उसके मस्तिष्क के साथ एक तालमेल बैठाती है, उस समय किस प्रकार की स्थिति होती है? वो एक केस में एक महिला ने, उन्होंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान देखा, उन्होंने ये बताया कि अपने जन्म से पहले जब उन्होंने अपने आप को माँ के गर्भ में देखा, जब वो एक भ्रूण के रूप में थी, उसने एक शांत और सुंदर प्रकाश के बारे में बताया। उसने बताया कि उस शांत सुंदर प्रकाश ने उसे और उसकी माता के गर्भ को, दोनों को ही घेरा हुआ था। उसकी माँ के शरीर से मिलने वाला जो एक भौतिक पोषण था, उसके अलावा भी एक आध्यात्मिक पोषण वो उस प्रकाश के जरिए प्राप्त कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके जो माता पिता थे, होने वाले माता पिता थे, उनके मन में बहुत उत्साह था, बहुत प्रेम था अपने होने वाली संतान को का स्वागत करने के लिए। वो उस प्रेम और उत्साह को भी महसूस कर सकती थी। यानी कि एक शिशु माता के गर्भ में हर एक चीज के प्रति सजग है। वो न सिर्फ गर्भ के भीतर बल्कि गर्भ के बाहर क्या घटित हो रहा है, सब कुछ वाकिफ है। और इस अवस्था में शिशु न सिर्फ सब कुछ देख सुन सकता है, बल्कि महसूस भी कर सकता है, उन भावनाओं को भी महसूस कर सकता है जो प्रेम की या रिस्पेक्ट की, या यदि माता पिता उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं है, उन सब भावनाओं को वो महसूस कर सकता है। यानी एक शिशु ये भी समझ सकता है कि वो जिस घर में पैदा होने जा रहा है, वो वहाँ एक अनवांटेड संतान है, या बहुत खुशी के साथ उसके स्वागत की तैयारी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चूंकि शिशु आत्मलोक से अभी भी आया है और हम जानते हैं कि वहाँ वो उसे अपने आने वाले जीवन की झलकियाँ भी देखी हैं, अपने माता पिता को भी देखा है, उसको अपने आने का जीवन धारण करने का उद्देश्य भी मालूम है, और वो ये भी जानता है कि जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं वो उसने ही चयन करी हैं। यानी एक ऊंचे दर्जे का साक्षी भाव अनुभव करता है संतान एक शिशु माँ के गर्भ में। और एक बार जब हम जन्म ले लेते हैं और इस जीवन वाले खेल में आ जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, फिर ये साक्षी भाव गायब हो जाता है। फिर हमें ऐसे लगता है कि ये जो मेरे जीवन में घटा वो मेरे साथ घटा, हम उससे अलग रह के अपने आप को नहीं देख सकते। लेकिन बच्चे को, क्योंकि वो साक्षी भाव में है, उस भाव को साफ साफ महसूस कर सकता है। उसकी याददाश्त में अभी अभी उसका स्मृति लोप नहीं हुआ है। बड़े होने के बाद जब हमारा आत्मा लोक की सारी यादें मिट जाती हैं, जब हमारा स्मृति लोप हो जाता है, उस समय हमें जो हमारे पास स्वतंत्र कर्म की ताकत है, उस समय हमें जरूरत होती है अपने स्वतंत्र कर्म की ताकत का सही इस्तेमाल करने की। और ये स्मृति लोप भी इसीलिए होता है ताकि हम कितना पास हुए कितना फेल हुए, अपने स्वतंत्र कर्म की जो ताकत है उसका कितना सही ढंग से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये
पता चलता है कि हम जीवन में आने वाली जो घटनाएं हैं उनमें क्या निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि घटना किस्मत में हो सकती है लेकिन घटना के रिस्पॉन्स में जो आप निर्णय ले रहे हैं वो किस्मत में नहीं है। हर घटना के रिस्पॉन्स में हमारे पास दो या तीन ऑप्शन होते हैं जिसमें से किसी एक का चुनाव हम करते हैं, और ये जो हमने एक का चुनाव किया है अपनी स्वतंत्र कर्म की ताकत का यूज़ करके, जो हमने एक ऑप्शन का चुनाव किया है, ये इस बात का फैसला करता है कि हम अपने उद्देश्य में, जो हम हमारा जो रीज़न है इस धरती पर जन्म लेने का, उसमें पास हुए हैं या नहीं हुए हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। अब तक हम ये बात समझ ही चुके हैं कि आत्मा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, चाहे गर्भपात हो या भ्रूण हत्या हो, ऐसी किसी भी तरह से आत्मा को तो नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। और ये भी हम जान चुके हैं कि यदि कोई ऐसी स्थिति हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, तब भी जो दूसरी संतान है वो वही आत्मा दूसरी संतान के रूप में उसी माता पिता के घर में आती है।